राम माड़े ग्राम पंचायत जावर का सरपंच हूँ और सरकार की तरफ से जो भी योजना मेरे गांव में आ रही है उसका अच्छी तरह से कार्य हो रहा है और पंचायत बाड़ी के सहयोग से, सचिव महोदय के सहयोग से और ग्रामीण जनता के सहयोग से अच्छा कार्य हो रहा है। ग्रेवल रोड भी हमने 2-3 बनाए हैं और अच्छे बढ़िया बनाए हैं। जनपद सदस्य की तरफ से भी हमको अच्छा सहयोग मिला है और सभी कार्य, इंदिरा आवास, पेंशन जो है, ये सभी कार्य अच्छे ढंग से होते हैं और सरकारी कर्मचारियों सर तरफ से हमको सहयोग मिलता है और मेरी पंचायत अच्छी तरीके से चल रही है और बढ़िया काम हम कर रहे हैं। हमारे ठाकुर साहब, सीओ साहब की तरफ से भी हमको सहयोग मिलता है, विधायक महोदय हैं उनके तरफ से भी मिलता है, जिला सीओ की तरफ से, जनपद अध्यक्ष हमारे राजपाल भाई की तरफ से भी अच्छा सहयोग हमारी पंचायत को मिलता है, रणवीर भाई खेतवास उपाध्यक्ष की तरफ से भी, महोदय से भी हमको सहयोग मिलता है और सभी सरकारी कर्मचारी टाइम टाइम से हमारे पर आते जाते रहते हैं। ग्राम सभा भी सहयोग हमारे ठक्कर साहब आते रहते हैं और ग्राम सभा को संबोधित करते हैं और सभी कार्य हमारे ढंग से होते हैं और पूरी पंचायत बाड़ी, हमारे पंचगण सभी सहयोग के साथ में मेरे साथ में काम करते हैं और सभी का सहयोग मिलता है, ग्रामीण जनता का भी सहयोग मिलता है, अधिकारी का भी सहयोग मिलता है और मेरी पंचायत में बहुत अच्छे काम हुए हैं। गरीब लोगों की भी सुनवाई ढंग से की जाती है, इंदिरा आवास है टाइम से, मतलब उनको भी बहुत सारे 400-500 लोगों को मिल चुकी और कार्य अभी भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना का भी अभी 2-4-8-10 दिन में उनको भी मिल जाएगी, इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी पंचायत में अच्छा उनके तरफ से सहयोग मिल रहा है। मैं सचिव ग्राम पंचायत जावर, मेरा नाम सत्येंद्र पाल है, मैं जावर पंचायत में सचिव कार्य कर रहा हूँ। मेरी ग्राम की आबादी 4515 है, क्योंकि ये बड़ा ग्राम है और बड़ा गांव होने के साथ साथ यहाँ पर शासन, केंद्र शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न भी सरकारी सभी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहता हूँ और उसको व्यक्ति को लाभ दिया जाए ने में पूरा सहयोग करता हूँ। और गांव हमारा बड़ा होने के कारण यहाँ पर शासन की जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं और जितने भी विभागीय अमला है उनकी बराबर मॉनिटरिंग, देख रेख और रिपोर्टिंग का कार्य का दायित्व मुझे सौंपा गया है शासन द्वारा, उन्हें मैं बराबर करता हूँ। और हमारे यहाँ बहुत सारे ग्राम न्यायालय हैं और सभी विभागीय दफ्तर हैं यहाँ पर, उनका भी कार्य बराबर चलता है। और सबसे पहले तो मनरेगा के अंतर्गत जो है मेरे गांव में बहुत से काम मैंने करवाए हैं। मनरेगा में जब से 2006 से ये योजना प्रारंभ हुई है तब से अभी तक मेरे गांव में करीबन 1 करोड़ तक के कार्य करवा दिए हैं। सामुदायिक कार्य और हितग्राहीमूलक कार्य, सभी प्रकार के बोरी बंधान, खेत तालाब, बहुत सारे काम करवाए दिए गए हैं। और जो सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन है, पहले मेरे यहाँ पेंशन 125-150 के तक हितग्राही थे, क्योंकि वर्तमान में अभी जब से और उसको बढ़ा करके बहुत सारे लोग, मतलब 187 लोगों को मैं पेंशन वितरित प्रतिमाह नियमित रूप से करता हूँ और उनको लाभ मेरे द्वारा दिया जाता है, राशन कार्ड वगैरह, लोक सूचना गारंटी, सहायक लोक सूचना गारंटी, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, सभी कार्य जो है यहाँ पर नियमित रूप से होते हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है और यदि कोई परेशानी आती भी है तो मुझे मेरे गांव के सरपंच महोदय और गांव के ग्रामीण जनता और मेरे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। और हमारी पंचायत में समय समय पर आला अफसरों के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है और हमें समझाई दी जाती है और पूरा सहयोग दिया जाता है। नमस्कार, मैं जहीर खान, सेल्समैन, शासकीय उचित मूल्य दुकान जावर, जो कि सहकारी संस्था द्वारा चलाई जाती है।
ग्राम पंचायत जावर के अंतर्गत चलाई जाती है। इसके अंतर्गत यहाँ पर गेहूँ, चावल, केरोसिन एवं शक्कर का वितरण किया जाता है। यहाँ पर BPL राशन कार्डधारी 393 हैं और AY अन्नपूर्णा अन्न योजना के कार्ड 201 हैं। यह काम सुचारू रूप से चलता है और लीड संस्था द्वारा भी समय समय पर सामान पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल हफ्ते में 4 यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बगैर किसी नागा किए, कोई शासकीय अवकाश के अलावा या और किसी कारण से दुकान बंद रहती है, लेकिन हफ्ते में 4 महीने भर ही दुकान खुली रहती है। मेरा नाम साजिदा खान है, मैं ग्राम पंचायत जावर की आशा कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ का काम जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर चल रही हूँ वो काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। जैसे गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराने ले जाना, खंडवा उनकी जाँच करवाना, बच्चों का टीकाकरण कराना, किशोरी बालिकाओं की जांच करवाना, इन सब कामों में मेरे को कोई भी अगर कोई तकलीफ आती है तो मैं ये पंचायत में आती हूँ तो इनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। श्रीमती संतोष भाई यादव, आंगनबाड़ी क्रमांक 2 ग्राम जावर, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और मेरे आंगनबाड़ी में 0 से 6 के बच्चों को लाभ दिया जाता है। संदर्भ सेवा, पूरक पोषक आहार, टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा, ये सभी बातों का लाभ दिया जाता है। और गर्भवती महिलाओं का वजन, बच्चों का वजन लिया जाता है और जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके माताओं को उनके बारे में समझाया जाता है खान पान पे भी, और वैसे ज़्यादा बच्चे रहते तो NRC में ले जाके भर्ती भी किया जाता है। और इस काम में मुझे कोई भी परेशानी नहीं आती, परेशानी आती है तो मेरे ग्राम के पंचायत के लोग मुझे पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, इसलिए मैं उनका पूर्ण धन्यवाद। साइबर भाई मेरा नाम, मैं जावर की रहने वाली हूँ, मेरी टट्टी बन गई पंचायत से, बहुत धन्यवाद। मारा नाम जोगी लाल सिंह, मगर वृद्धा पेंशन मिलत पंचायत को हूँ अधिकार से, मगर वृद्धा पेंशन मिलत, बार बार धन्यवाद पंचायत। मेरा नाम गोविंद है, मैं ग्राम पंचायत जावर में रहता हूँ। मेरे ग्राम पंचायत जावर से कपिल धारा कुआ मिला है, पानी उसमें प्राप्त है 25 फीट, और एक फसल पैदा करते थे, अब डबल फसल पैदा करने लग गए हैं। आसपास खेत वाले सब पानी के लिए आते हैं, मैं उसी भी पानी पीने के लिए जावर ग्राम यहाँ आती है कुएं पे, मैं ग्राम पंचायत को धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम अखिलेश बावस्कर है और मैं जावर पंचायत में रहता हूँ। मेरे को जावर पंचायत ने कुटीर दी इंदिरा आवास, इससे मैं बहुत खुश हूँ और जावर पंचायत का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं विधवा भाई हूँ, मेरे नाम द्रुपति भाई है, मेरे को पंचायत जावर की पंचायत से मेरे को विधवा पेंशन मिल रही है। मेरा नाम सुखलाल मोरे है, मैं ग्राम पंचायत जावर का मैं का रहवासी हूँ और जावर पंचायत ने मेरे को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत मेरे को पेंशन दिलवाई है। मैं जावर पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिससे मेरे को आर्थिक मदद मिल रही है।